गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो क्लास ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th. टुडे आवर टॉपिक इज द रिवोल्यूशनरीज. ओके, सो बिफोर दैट वी हैव रेड दैट द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ 1815 एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबाउट द रिवोल्यूशनरीज. एक ऐसा समय भी आया जब वहां पर जितने भी से ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 के बाद जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो डर के मारे, ड्यू टू द फियर ऑफ रिप्रेशन, ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. बहुत सारे जो आपको लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो कहाँ चले गए, अंडरग्राउंड हो गए. किस लिए? रिप्रेशन के कारण. उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था इसलिए वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए. मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज यानी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1815 के बाद का जो समय था, एक्चुअली इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिवोल्यूशनरीज एंड ड्यू टू रिप्रेशन ओनली वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए. तो अब अंडरग्राउंड हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संस्थाएं, यानी एक तरह से मान के चलो कि ये एक ऐसी संस्थाएं अब लोग बनाना शुरू कर दिए जो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, है ना, लेकिन वो संस्था है अंदर ही अंदर. वो संस्था गुप्त संस्थाएं बननी शुरू हो गई जिनको उस समय कहा गया सीक्रेट सोसाइटी, जो 1815 के बाद बनना शुरू हुआ वहां पर, कहां, यूरोप में. सो सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वहाँ पर बनना शुरू हो गई और ये लोग क्या करने लगे, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे जो उनकी विचारधाराओं से मिलते जुलते थे, ऑल वर सिमिलर, हु वर सिमिलर टू देयर आइडियाज एंड देयर थॉट्स, नाउ दे स्टार्टेड टू ट्रेन देम. उनको क्या देने लगे, वो ट्रेनिंग देने लगे अंदर ही अंदर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज also saw the creation of the nation state as a necessary part of the struggle for the freedom, है ना. यानी बहुत सारे ऐसे जो revolutionaries थे students, actually उनका मानना ये था कि creation of the nation state यानी nation state के creation के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है, मतलब nation state का बनना, और ये उसका मुख्य भाग था freedom की लड़ाई. यानी actually it was the struggle of the freedom, वो फ्रीडम में रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए. तो इसलिए क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट काफ़ी ज़रूरी मानते थे कौन, ये रिवोल्यूशनरीज, है ना. वो चाहते थे कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट एज इट इज़ द स्ट्रगल, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. ओके, सो दिस इज क्लियर. सो वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गुजेपी मेजरी. स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक सबसे फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी हुए गुजेपी मेजनी, है ना. ही वॉज बॉर्न इन 1807 इन जेनेवा, जिनका जन्म जो था 1807 ईस्वी जेनेवा में हुआ था. स्टूडेंट्स, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी, कार्बोनेरी जगह का नाम है स्टूडेंट्स. तो वहां पर वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए. ये काफ़ी फेमस रिवोल्यूशनरी हुए कहाँ के, आपको यूरोप के, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1807 में जेनेवा में हुआ था, और ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे. एग्जाम में हमेशा आता है इनके बारे में. सो एट द एज ऑफ 24, मात्र 24 साल के एज में स्टूडेंट्स, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल. एग्जाइल का अर्थ होता है देश से निकाल देना. यानी देश से निकालने का मतलब क्या होता है, आप किसी देश के खिलाफ ऐसे किसी कार्य में अगर पकड़े जाते हैं जो देशद्रोह का मामला होता है तो वहां पर आपको देश से बाहर निकाला जाता है. सो दैट कंडीशन इज नॉन एज द एग्जाइल. सो एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगोरिया. लिगोरिया में वो एक रिवोल्यूशन को अटेम्प्ट कर रहे थे, यानी एक तरह से षड्यंत्र कर रहे थे, जिसके बाद उनको 1831 यानी 1831 में एग्जाइल, देश से निकाल दिया गया. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाइल में रहते हुए ही स्टूडेंट्स, ही फाउंडेड यंग इटली इन मार्सेलिस, जगह का नाम है ये मार्सेली, यंग इटली का फॉर्मेशन किया. एंड ऑल्सो अ सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोप इन बर्न, जो स्विट्जरलैंड में है स्टूडेंट्स. ओके, सो ही फाउंडेड यंग इटली इन मार्सेलिस
and Young Europe in Bern, that is in Switzerland. These are the two secret societies founded by Giuseppe Mazzini. ये काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया गुजेपी मेजनी ने, और एग्जाइल में रहने के दौरान ही उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। देखो सबसे मेन क्या है उनका, ही बिलीव, वो मानते थे, गुजेपी मानते थे दैट गॉड हैज इंटेंडेड द नेशन एज नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। रिमेंबर स्टूडेंट, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ही बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड द नेशन एज नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी ईश्वर ने पूरे नेशन की जो स्थापना है, कल्पना है, वो मनुष्यों के लिए नेचुरली की है, तो इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे और संघर्ष करना चाहते थे। सो एक्चुअली इन दिस रिवोल्यूशनरी टॉपिक वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू रीड कि 1815 के बाद, आफ्टर 1815, एक ऐसा समय था, एक दौर था, इस समय के दौरान जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, वो अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। और ऐसे में ही उभर कर कौन सामने आए, गुजेपी मेजनी, जिनका जन्म 1807 में हुआ था, और 24 साल, मात्र 24 साल के एज में, एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। तो सोच सकते वो कितने बड़े, मतलब ऑनलाइन में तो उतना ज़्यादा हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर जिस दिन होगा उस दिन गुजेपी मेजनी के पूरे हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था। तो ये रिवोल्यूशनरी के बारे में मैंने छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए भेजा है कि आप इसको पढ़ें और समझें और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।